मनुष्यों के विकास और मुक्ति के लिए इतना शक्तिशाली सिस्टम स्थापित होने के बावजूद क्या काशी में रस्मों को करना जरूरी है? क्योंकि आपने बताया कि इस जगह को जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया है एक यंत्र के रूप में, तो यहाँ आना ही काफी होना चाहिए। कई लोग यहाँ विभिन्न प्रकार की रस्में करने आते हैं, ऐसी रस्मों का क्या महत्व है? काशी रस्मों से भरी हुई है, यह अनुष्ठानों का केंद्र रहा है। भीतरी प्रक्रिया करने से ज्यादा भरोसेमंद कुछ नहीं होता, वो सबसे अच्छा तरीका है। तो एक प्रक्रिया में दीक्षा मिलने के बाद आपको उसी पर निर्भर रहना चाहिए। ये चीजें इसलिए बनाई गई क्योंकि ये जनता के लिए हैं। उन्हें खुद के साथ कुछ भी करना नहीं आता, पर वो इतना जानते हैं कि कुछ करना जरूरी है, तो इसीलिए एक ऐसा यंत्र और यंत्र के साथ जुड़ी जटिल रस्में करना बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे कई लोगों की एक साथ मदद होती है। एक अनुष्ठान है जिसे सप्तऋषि पूजा कहते हैं। सप्तऋषि यानी वो सात शिष्य जो शिव के पहले शिष्य थे। शिव के संदेश को फैलाने के लिए वो दूर जाने वाले थे, तब उन्होंने पूछा, हम आपकी पूजा कैसे करेंगे? शिव ने उन्हें एक तरीका सिखाया। वो बोले, इस तरह कीजिए, मैं आ जाऊंगा। ये पूजा उन्हें सिखाई गई थी, फिर उन्होंने लोगों को सिखाई, और आज भी ये उसी रूप में मौजूद है जैसे शिव ने सप्तऋषियों को सिखाई थी। वो प्रक्रिया उन्होंने शुरू की और इस तरह से की कि ऊर्जा के ढेर बनते चले गए। दूसरों को शायद इसका एहसास ना हो, मेरे लिए ये एक जीवित सच्चाई है। और लोगों के आंसू बहने लगे, वो नहीं जानते कि ये क्या है। जो इसे कर रहे हैं वो नहीं जानते कि ये कैसे होता है, पर वो सिखाई गई प्रक्रिया के हिसाब से पूजा करके इसे एक सच्चाई बना रहे हैं। देखिए, इस नाव को चलाने वाले व्यक्ति इंजन बनाना नहीं जानता, उसे बस उपयोग करना आता है, जो काफी है। तो उन्होंने बस वैसे पूजा करना सीखा जैसे सप्तऋषि करते थे। सात लोगों ने बैठकर पूजा की, जो कि जबरदस्त थी। मैंने किसी भी मंदिर में इतनी ऊर्जा कभी नहीं देखी। मैंने कई मंदिर देखे हैं, जहां भी मुझे ऊर्जा महसूस होती है मैं जाता हूं। मैं वहां प्रार्थना करने नहीं जाता, मैं मांगने नहीं जाता। मैंने जीवन में कभी किसी मंदिर में अभिषेक या पूजा नहीं की है, ठीक है? पर यह एक जबरदस्त विज्ञान है। आपको ध्यानलिंग मंदिर में आकर बैठना चाहिए। ना कोई अनुष्ठान, ना मंत्र, ना पूजा, कुछ भी नहीं। वहां हमेशा बिल्कुल शांति होती है। बस जाकर वहां बैठें और देखें, क्योंकि उसे मूल रूप से ध्यान के लिए बनाया गया है। जिन्हें ध्यान के बारे में कुछ नहीं पता, जिन्हें कोई निर्देश नहीं मिला है, बिना किसी निर्देश के लोग ध्यानमय हो जाते हैं। तो ये तकनीकें हैं, ना कि विश्वास प्रणाली। तकनीकें जिनका ध्यान नहीं रखा गया। मेरा आखिरी प्रश्न, जब कोई काशी में आता है तो किस चीज का अनुभव उन्हें यहां जरूर करना चाहिए? सबसे पहले थोड़ी तैयारी करके आइए। मैं कहूंगा कि अगर आप काशी जाने वाले हैं तो कम से कम 3 महीने किसी ध्यान प्रक्रिया में दीक्षा लीजिए। कुछ समय ध्यान कीजिए, थोड़े ज्यादा संवेदनशील और शांत बनिए। अपनी सारी मान्यताएं घर पर छोड़कर आइए। धन्यवाद, धन्यवाद सतगुरु। ये दुनिया की सबसे जटिल और रिफाइंड मशीन है, ये काशी है। ये अद्भुत है कि किसी ने ऐसी जगह बनाई। इसे बहुत बुद्धिमानी और काबिलियत से बनाया गया है। इसके पीछे दृष्टि और करुणा ये है कि ये सभी के लिए उपलब्ध हो। इसीलिए हम उन लोगों को नमन करते हैं। दुनिया को इसी की जरूरत है, ना कि कट्टरता, फिलॉसफी या विश्वास प्रणाली की। इंद्रियों से परे जाकर उस चीज का अनुभव करने की क्षमता जिसे फिलहाल परे की चीज माना जा रहा है, यही अकेला तरीका है जिससे मनुष्य जानेगा और जिससे मानव चेतना का विस्तार होगा। मानव समाज में हुए छोटे छोटे टुकड़ों से परे इंसान के विकसित होने का यही एक तरीका है। पर उन यंत्रों को व्यवस्थित रूप से नष्ट किया जा रहा है। इन चीजों को वापस लाना महत्वपूर्ण है। अतीत से हम बच निकले, पर क्या हम भविष्य से बच पाएंगे? ये मानवता का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है।
कि धरती की सबसे महान चीजें नहीं बचती, सबसे भद्दी चीजें बची रहती हैं, जब तक कि समाज और लोग उसकी देखभाल और पोषण ना करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एक सुसंस्कृत समाज चाहते हैं कल हमारे बच्चों और उनके बच्चों के जीने के लिए, यदि हम समाज में अच्छी संस्कृति चाहते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि हम आसपास मौजूद संस्कृति का पोषण करें, वरना भद्दी चीजें वैसे भी हावी हो जाएंगी। भद्दी चीजें आसानी से प्रकट हो जाती हैं। संस्कृति को प्रकट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यह हजारों सालों में विकसित होती है। तो यह हमारी पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि हम जीवन के सूक्ष्म पहलुओं को सामने लाएं और किसी तरह उन्हें जीवित रखें जितना हमसे हो पाए। हम एक और काशी नहीं बना सकते, पर मौजूदा काशी को जितना हो सके उतनी अच्छी तरह से संभालें और ज्यादा साधन बनाएं जिनसे मनुष्य बड़ी संभावना से जुड़ पाए। हमें पढ़ने के लिए और किताबों की जरूरत नहीं है, हमें और अधिक व्यावहारिक साधन और तरीके चाहिए जिनसे इंसान खुद के बारे में अपनी समझ का विस्तार कर सके।